अस्सलामुअलैकुम एवरीवन जी। सर मेरा क्वेश्चन आपसे था कि हर इंसान जब भी कोई काम करता है तो उसको पीछे उसको एक पॉइंट होता है कि जैसे यहाँ पे सब हैं तो सबको होगा कि फाइनेंशियली किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कोई एम होता है, तो हम सब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, यानी उसको हम एम को उसको अचीव करने के लिए। बट कहीं ना कहीं हमारी जैसे एक पीक के ऊपर होती है कि आज हमने जैसे आपका सेशन देखा है तो मैं इस काम को जाके कल करूँगा, यानी मैं यहाँ पे जाके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करता हूँ, मैं काम करता हूँ, बट आहिस्ता आहिस्ता वो डाउन में आ जाता है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे ही मोटिवेशन है वो बंदे की डाउन हो जाती है। और मेरा क्वेश्चन आपसे था कि सर आपकी कामयाबी के पीछे वो क्या राज था जब आप मतलब जिसने आपको थकने नहीं दिया, वो सबके लिए हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी कि हम आगे कामयाब हो। आप अक्सरियत लोगों के माँ बाप होते हैं, राइट? ऑब्वियसली किसी वजह से अगर क्रिकेट नहीं है एंड ऑल दिस, बट हमेशा लोग माँ बाप से तो दुआएं ले ही लेते हैं। माँ बाप घर में ऐसी चीज़ है जो कि जो मर्जी कर लें दो दुआएं देंगे, आप गलत भी कर लें, लेकिन असल काम है लोगों की दुआएं लेना। अगर आप लोगों की दुआएं लेना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है आपको कामयाबी मिलेगी। इस नीयत से यार लोग मुझे दुआएँ दें, मैं उनकी ऐसी मदद करूँ, तो मेरा यही मकसद था कि या अल्लाह मुझे आसानियाँ फैलाने की तौफीक अदा फरमा, ना कि मेरे लिए आसानियाँ दें। तो ये माइंड सेट होना चाहिए एंड दैट वर्कड आउट एंड यू हैव सीन व्हाट्स हैपनिंग। आल्सो इट्स अ ड्रीम फॉर अस एंड फॉर मी एज वेल, व्हाट आई एम सीइंग ऑल अक्रॉस। ये यही कॉन्सेप्ट है, तो इसको इसी तरह से लिखिए।